इस वीडियो में बात करेंगे हम वो करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग से लिया गया है। यह टॉपिक GNN नर्सिंग सेकंड ईयर एंड BSc नर्सिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फोबिया से आपको मेन एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन हम जाने हैं फोबिया के बारे में। फोबिया किसे कहेंगे? फोबिया का मीन्स होता है यहाँ पर फियर, यानी कि डर। फोबिया का मीन्स होगा डर। नेक्स्ट जानेंगे हम फोबिया का डेफिनेशन। फोबिया का डेफिनेशन क्या होगा? फोबिया डिसऑर्डर आर इरेशनल फियर रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। ये क्या हो जाएगा फोबिया का डेफिनेशन? वो होगा फोबिया किसी सामान्य वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक भय महसूस करना है। फोबिया का मीन्स है, फोबिया का डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी सामान्य वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक भय महसूस करना है, उसे कहें हम फोबिया डिसऑर्डर। नेक्स्ट जानेंगे हम इटियोलॉजी, फोबिया के और कॉज के बारे में। इसका जो इटियोलॉजी है वो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, परंतु सामान्यतः पर्सन की डिफेंस मैकेनिज्म के फेल्योर के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है फोबिया का, परंतु पर्सन की जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगर उसका जो पूरा नहीं कर पाता है तो उसके फेल्योर के कारण उत्पन्न हो सकता है फोबिया। यह डिफेंस मैकेनिज्म निम्न है, वो डिफेंस मैकेनिज्म निम्न क्या होंगी वो देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ फोबिया में फोबिया के टाइप्स क्या रहेंगे? एगोरा फोबिया। एगोरा फोबिया हम किसे कहेंगे? एगोरा फोबिया कहेंगे पर्सन को बाहर जाने से या खुले स्थानों से डर लगता है। इसमें क्या होगा? पर्सन जो व्यक्ति है उसको बाहर जाने या खुले स्थानों से डर लगेगा। नेक्स्ट एल्गो फोबिया। एल्गो फोबिया में क्या होगा? फियर फ्रॉम पेन फीलिंग, जिसमें क्या होगा? दर्द से डर लगना, पर्सन को दर्द से डर लगेगा। नेक्स्ट होगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? एक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ क्लोज प्लेस, इसमें व्यक्ति को बंद स्थान से डर लगे, उसे कहें क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इंसेक्टोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़ों मकोड़ों से उसको डर लगेगा, जैसे कि छिपकलियों को बहुत से इंसानों से डर लगता है, छिपकली से बहुत से इंसानों को डर लगता है, उसे कहें हम इंसेक्टोफोबिया। नेक्स्ट हो जाएगा सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होगा? पर्सन फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, जो व्यक्ति है उसको सामाजिक स्थान पर जाने से डर लगेगा, जैसे कि स्पीकिंग इन पब्लिक, व्यक्ति को समाज में बोलने से डर लगेगा। नेक्स्ट है ईटिंग इन पब्लिक, और व्यक्ति को सामाजिक स्थानों पर खाना खाने से भी डर लगेगा, उसे कहेंगे सोशियोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा जू फोबिया। जू फोबिया का मतलब है जानवरों से, जू का मतलब होता है जानवर, तो जू फोबिया का मतलब होगा पर्सन फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि व्यक्ति को जानवरों से डर लगना, उस व्यक्ति को क्या लगेगा? जानवरों से डर लगेगा। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पर्सन फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डर लगना, उसे कहें हम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल, पानी, एंड ये साइन सिम्टम देखा जाता है, वो देखा जाता है हमारी रेबीज डिसऑर्डर में, ये उसका साइन सिम्टम है, उसे हम हाइड्रोफोबिया डिसीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वो है स्कूल फोबिया। स्कूल फोबिया का मतलब है स्कूल फोबिया में चाइल्ड स्कूल जाने से डर लगता है, और जो स्कूल फोबिया में क्या करेगा बच्चा, स्कूल जाने से डर लगेगा उसको। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। जो फोबिया है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे वो देखेंगे हम इसमें आगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? साइन जिसे बोल सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के समान होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर या साइन बोल सकते हैं वो क्या रहेंगे? एंजाइटी डिसऑर्डर के समान हो सकते हैं। नेक्स्ट साइन है वो है डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे कहेंगे हम डिस्निया। नेक्स्ट टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होगा इंक्रीज हार्ट रेट, उस व्यक्ति का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा
उसे कहेंगे हम टैकीकार्डिया। नेक्स्ट टैकिनिया, टैकिनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट, रेस्पायरेशन उसका अधिक हो जाएगा उसे कम टैकिनिया, टैकिनिया का मतलब होता है अधिक एंड निया का मतलब होता है श्वसन दर। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं श्वसन दर का अधिक हो जाना। डाइफोरोसिस का मतलब होगा इंक्रीज स्वीटिंग, व्यक्ति को डर लगने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है, अत्यधिक पसीना आ सकता है, उसे कहेंगे हम डाइफोरोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, फोबिया का मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा व्यक्ति को एंटी एंजाइटी ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। एंटी एंजाइटी ड्रग क्या है, जैसे कि एग्जांपल में डाइजेपाम एंड क्लोनजेपाम, ये एंटी एंजाइटी ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो हैं इम्पेरेमाइन एंड फेनेलाजाइन, जो ड्रग हैं वो हैं डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग में है एटेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग प्रोवाइड कराएंगे जिसमें क्या है एटेनोलॉल। उसका नेक्स्ट जानेंगे हम फोबिया का नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या करेंगे अगर फोबिया का कोई व्यक्ति है या पेशेंट है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो वो देखेंगे। फर्स्ट वन, पेशेंट को ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते समय नर्स को उसके साथ रहें, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट है फोबिया का उसको ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ रहेंगे। नेक्स्ट नर्स को फोबिया का टाइप पता कर उसे ऑब्जेक्ट या वस्तु के प्रति अवेयर करना चाहिए, अगर नर्स को फोबिया का टाइप पता है तो उसे क्या करेंगे, फोबिया के मेंटल डिसऑर्डर है उस व्यक्ति को उस चीज़ से अवेयर कराएंगे, उसको डर लगने से बचाएंगे। नेक्स्ट पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, और जो पेशेंट है उसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है वो पेशेंट की जनरल कंडीशन को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए समय समय पर। नेक्स्ट नर्स को पेशेंट के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए, और जो नर्स है वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है उसको पेशेंट के प्रति क्या करें पॉजिटिव बिहेवियर रखने की सलाह देंगे। तो ये जाना हमने दोस्तों इस वीडियो में फोबिया के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।